वेलकम बैक अगेन। बात करेंगे आज हम लोग पोषण की। पिछली कक्षा में जयप्रक्रम के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन के बारे में पढ़ा था जयप्रक्रम के अंदर। उसी को एक एक करके हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहला है आपका पोषण। अब देखिए, पोषण प्रक्रम को होने के लिए हमारे बॉडी में ऊर्जा की ज़रूरत होती है, पहली चीज़। और दूसरा, जो भी कोशिका है उसके अंदर जीव द्रव्य का हमेशा निर्माण होते रहना चाहिए। जो भी टूट फूट उसके अंदर हो रही होती है उसको मरम्मत करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे जीवन संबंधी क्रियाओं, हमारे शरीर, हमारे जीवन में बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारी क्रियाएं हम लोग करते हैं। जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जीव की दो प्रमुख आवश्यकताएँ हैं। कौन कौन सी आवश्यकताएँ हैं? नंबर वन, ऊर्जा की जरूरत होती है। लिख रहे हैं यहाँ पे, जीवन की क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की जरूरत कहाँ है? इन क्रियाओं को संचालित करने के लिए ना, जीवन की क्रियाओं को संचालित करने के लिए ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति, कंटिन्यू हमें ऊर्जा मिलती रहनी चाहिए। ऊर्जा हमें मिलनी बंद हो जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे? टायर्ड हो जाएंगे। तो इसलिए ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति जरूरी है। और शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे उत्कों की मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण। जीव द्रव्य क्या होता है? 9th क्लास में आपको याद होगा, कोशिका है। कोशिका के अंदर जो भी आपका तरल पदार्थ भरा हुआ है वो क्या है? जीव द्रव्य है। इस तरह से जीव द्रव्य का हमेशा निर्माण होते रहना चाहिए, जो कि टूट फूट जो होगी हमारी कोशिका में उसकी मरम्मत करेगा। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, जो भी हमारे क्रियाएँ हैं जीवन की और अपने अस्तित्व को भी बनाए रखने के लिए भोजन की हमें ज़रूरत होती है। अब भोजन से ही हमें क्या मिलता है? पोषक तत्व तो मिलता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, क्लोरीन, जो भी है ये सब क्या है? हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व तो हैं, जो कि हमें कहाँ से मिल रही है? भोजन से मिल रही है। अतः पोषण जो है, पोषक तत्व तो को लेने की एक प्रकार की विधि है। और इसका उपयोग करता है वो पोषक तत्वों को लेकर के अपने शरीर की क्रियाओं को संचालित करने के लिए, जिसको पोषण कहते हैं। पोषण की विधियां देखेंगे पहले। पोषण की विधि देखिए क्या हुआ। अब जैसे जीव जो है अपने पर्यावरण के हिसाब से अनुकूलित होता है। कोई जीव जो है रेगिस्तानी इलाके में रह रहा है तो वो क्या खाएगा? कटीली झाड़ियों को, पौधों को खाता है। जैसा कि पता है कि जो भी मरुस्थलीय जगह होती है वहाँ पे पत्ते जो होते हैं वो रूपांतरित हो जाते हैं किस चीज़ में? कांटों में। तो वहाँ पे हरे पत्ते वाले बहुत ज़्यादा तो उसको मिलेगा नहीं, कटीली चीज़ें मिलेगी। तो उस हिसाब से वहाँ का जीव जो होगा एडाप्टेड होगा, अनुकूलित होगा, पानी की वहाँ पे कमी होती है। और कुछ स्थलीय जगहों पे जहाँ पे कि आपको हर एक तरह के पेड़ पौधे मिल जाएंगे जंतुओं को, और पानी वाला इलाका है जहाँ जलीय जंतु की बात करेंगे वहाँ पे वो का जो अनुकूलन होगा जल के हिसाब से होगा। और कुछ ऐसे जीव होंगे जो हार्ड चीज़ों को खाते हैं, कठोर चीज़ों को खाते हैं। कुछ जीव जो होगा नॉर्मल खाएगा, कुछ जीव जो होगा तरल पदार्थ को खाएगा। इस तरह से पर्यावरण के हिसाब से जो होते हैं क्या होते हैं? अनुकूलित होते हैं जीव। जिस तरह के पर्यावरण में होते हैं वो उसी तरह से अपने आप को क्या कर लेते हैं? ढाल लेते हैं। यही अनुकूलन होता है कि जिस भी परिस्थिति में हम रहें वहाँ पर अपने आप को क्या कर लें? शूट कर लें। और ये हमारे ह्यूमन बींग पर भी लागू होता है। हम लोग जिस परिस्थितियों में भी रहें, जहाँ पे भी रहें, वहाँ पे अपने आप को क्या कर लेना चाहिए? हमें अनुकूलित कर लेना चाहिए। यही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, डार्विन का कहा हुआ। इस तरह से भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की होती है। जैसा उसका भोजन का स्वरूप होगा उसके हिसाब से पोषण की विधियाँ अलग अलग हो जाती हैं। यहाँ पे दो मुख्य रूप से पोषण विधि है, स्वपोषण और परपोषण। अब स्वपोषण किसको कहते हैं और परपोषण किसको कहते हैं? कंटिन्यू करते आगे। अब स्वपोषी किसको कहते हैं और विषमपोषी किसको कहते हैं? नंबर वन, स्वपोषण, इंग्लिश में इसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, ऑटो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, सेल्फ मीन्स स्व, खुद, और ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन, पोषण हिंदी में बोलेंगे उसको। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वैसा न्यूट्रिशन है, वैसा पोषण है जिसमें जीव क्या करता है? भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाता है। वो खुद ही अपना भोजन बनाता है, अपने भोजन के लिए किसी और पर निर्भर नहीं करेगा। और
इसी को स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, पौधे हरे होते हैं, उसमें क्लोरोफिल होता है, इसकी वजह से वो क्या करते हैं, भोजन अपना खुद ही बनाते हैं। इसलिए पौधे जो हो गए क्या हो गया, स्वपोषी जीव हो गए। इसमें जो पोषण होगा वो कौन सा पोषण हो गया, स्वपोषण हो गया। और कुछ जीवाणु जैसे साइनोबैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो भी अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। तो कुछ जीवाणु, सारे जीवाणु नहीं, कुछ ही जीवाणु, इस तरह से प्रकृति में जो है एक्सेप्शन हम बहुत सारे हैं। तो ये मान के चलिए कि जीव विज्ञान में हम जो भी नियम है उसके अलावा एक्सेप्शन को भी पढ़ना होता है। तो आपको जब कभी भी परिभाषा लिखें तो उदाहरण जरूर लिखें। दूसरा जो है परपोषण, परपोषण का ही दूसरा नाम जो है विषम पोषी पोषण, इसको इंग्लिश में कहेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हेट्रो मीनिंग इसका होगा डिफरेंट या अदर, और न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। वैसा पोषण जिसमें जीव जो है अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहे, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे हम अनाज खा रहे हैं, गेहूँ खा रहे हैं, क्या है, डायरेक्ट निर्भर हो गए। और कोई मांस खा रहा है तो इस तरह से कह रहा है कि हम तो मांस खाते हैं, तो क्या कर रहा है, जो भी मांसाहारी, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बकरी है, बकरी के भी मीट को खाते हैं खाने वाले, तो उसमें जो बकरी है वो किस पर निर्भर हो रही है, आपकी पौधे पे ना, प्लांट्स को खाती है। तो वो पौधे को खाई और उसको खाने वाले ने, जंगल में जानवर होते हैं शिकारी, उसको खा गए, मान लीजिए कोई बाघ है, शेर है, बकरी को खा गया, तो इस तरह से वो क्या हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से बकरी को खाया, मांस को खाया, लेकिन बकरी क्या खा रही है, घास को खा रही है ना। तो वो जो जानवर है जिसने मांस को खाया वो प्रत्यक्ष रूप से पौधे पे निर्भर नहीं हुआ, कैसे हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर हुआ, क्योंकि जिस जानवर को खा रहा है वो तो भाई पौधा खा के बड़ा हुआ है ना, पौधे को उसने खाया, उसके मांस को उस जीव ने खाया। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष को ही यहाँ पे परोक्ष लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है, स्वपोषी पर निर्भर करते हैं, परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। और पोषण की इस विधि को परपोषण कहते हैं। जैसे जंतु और कवक, यहाँ थोड़ी देर के लिए मैं हट जा रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब विषमपोषी जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी खाते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, जटिल होता है यौगिक, और उसको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को वो तोड़ते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, सरल यौगिकों में तोड़ते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारी ऊर्जा का उत्पादन होता है जिसका उपयोग क्या करते हैं, अपने क्रियाकलाप के लिए करते हैं। और इस तरह से परपोषण मुख्यतः तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मृतजीवी पोषण, इसको इंग्लिश में कहेंगे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, या जो जीव होगा उसको कहेंगे मृतोपजीवी। वैसा जीव जो मृतजीवी पोषण फॉलो करता है उस जीव को मृतोपजीवी कहेंगे। दूसरा जो है आपका परजीवी, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा जो है आपका प्राणिशम पोषण। एक एक करके इनको देखते हैं। अब देखिए इसमें मृतजीवी पोषण जो है पहला, इसको इंग्लिश में सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कह रहे हैं, जबकि वे जीव जो मृत और सड़ चुके जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो जीव मर चुका होता है, डिके हो चुका होता है, सड़गल गया होता है, उसी से क्या करेगा, वो अपना भोजन लेता है, सड़े हुई चीज़ों को खाता है, गली हुई चीज़ों को खाता है। तो उस जीव को मृतोपजीवी जीव कहेंगे, या उसी को इंग्लिश में सैप्रोफाइट्स कहेंगे। और इस तरह की पोषण जिन जीवों में होगी उसको क्या कहेंगे, मृतजीवी पोषण कहेंगे। इसमें आपका उदाहरण हो गया कवक, एस्ट, बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोआंस, ये क्या करते हैं, सड़ी गुली या मरी हुई चीज़ों को खाते हैं। मृतजीवी पोषण जो है इसका प्रकृति में बहुत ही महत्व है, और इन्हीं मृतजीवियों को अपघटक कहते हैं। जो भी जीव मर जाता है उसको क्या करते हैं, ये मृतजीवी जो होते हैं उनके शरीर को सड़ा गला देते हैं, और जो भी उसमें तत्व होते हैं उसको मिट्टी में मिला देते हैं, और गैस वापस वातावरण में फैल जाता है। इस तरह से जो ये सैप्रोफाइट्स हैं, मृतजीवी हैं, वो
प्रकृति में बैलेंस बनाने का काम करते हैं। जो भी सड़गल जाने के बाद मरे हुए जीवों के शरीर के मिट्टी में पदार्थ मिल गया, उसको क्या करता है, पौधा फिर उपयोग में ला देता है। इस तरह से ये प्रक्रिया जो है, साइकिल जो है, चलते रहती है। और इसीलिए मृतजीवी को अपघटक कहते हैं। हमारे वातावरण को शुद्ध होने के लिए इस मृतजीवी का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए जो दूसरा है हमारा, वो है परजीवी पोषण। इंग्लिश में इसको पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। इंग्लिश वर्ड को आप ध्यान रखिए, क्योंकि आगे चल करके जीव विज्ञान जो है आपको हिंदी में नहीं मिलता है, परेशानी होती है। नुकसान इसका कुछ भी नहीं है, शब्द को जानने से फ़ायदा ही है। वैसे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी इससे आपको फ़ायदा ही है। वैसे जीव जो पौधे और जंतुओं को बिना मारे, उनको किल नहीं करता है, मारता नहीं है, और उनके शरीर से क्या करता है, अपने लिए भोजन लेता है, वैसे जीव को परजीवी कहते हैं। और पोषण की ये जो विधि है उसको परपोषण कहते हैं। जिस जीव के शरीर से ये अपना भोजन लेते हैं, उस जीव को पोषी कहते हैं। अब जैसे थोड़ी देर के लिए मारेंगे भैंस, भैंस जब पानी में जाती है तो क्या होता है, जोंक उससे चिपक जाता है। क्या करता है जोंक, उसके बॉडी से लिक्विड मटेरियल को लेता है। लिक्विड मटेरियल क्या लेता है, ब्लड होता है, और ब्लड को जो लेता है वही उसका फूड होगा। तो इस तरह से जो शरीर से, जिसके शरीर से वो फूड लिया, उसको होस्ट कहते हैं। अब देखिए जो तीसरा है हमारा, वो है प्राणी संपोषण। इंग्लिश में इसको होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलेंगे। होलो, जैसा कि नाम से ही पता है, होल बॉडी, ठीक है। वैसे जीव जो संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण मतलब शरीर के अंदर लेना, ग्रहण करना, अंतर्ग्रहण। उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, प्राणिशम कहलाते हैं, प्राणिशम भोजी कहलाते हैं। और पोषण की इस विधि को प्राणिशम पोषण कहते हैं। उदाहरण में आपका मनुष्य और जानवर, कोई भी चीज़ जो खाता है उसका पूरे शरीर में अंतर्ग्रहण करता है, अंदर ले लेता है, और शरीर के अंदर ही उसका पाचन होता है। और इस तरह का जो पोषण होता है उसको प्राणिशम पोषण कहेंगे। और जो जीव हो इस तरह का पोषण को फॉलो करता है उसको प्राणिशम भोजी कहेंगे। अब आइए देखते हैं पौधे में पोषण, पौधों में पोषण किस तरह से होता है। तो पोषण के आधार पर पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण होने के लिए पौधा जो है हरा है, हरा किस वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो भोजन बनता है पौधों में, इसी वजह से पौधे को क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और जो पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं वो क्या करेंगे, जब प्रकाश संश्लेषण वो कर ही नहीं पा रहे हैं, तो वे अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर करेंगे, दूसरे पौधे पर निर्भर करेंगे। इसलिए इस तरह के जो कुछ पौधे हैं उसमें आपका है मशरूम, अमरबेल। कहने का मतलब कि ये आपका एक्सेप्शन हो गया है। जैसा कि हमें पता चल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है, पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या हो गया, मशरूम, अमरबेल, इस तरह के भी कुछ पौधे प्रकृति में उपलब्ध हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं और दूसरे पे अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं। अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना खुद भोजन बना रहे हैं वही प्रकाश संश्लेषण है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, अकार्बनिक यौगिकों का, कार्बनिक यौगिकों में संश्लेषण होता है पौधे के अंदर। अकार्बनिक यौगिक कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O। ये CO2 जो है, इस तरह से नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा। किस तरह से लिखेंगे, O को बड़ा लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल का सूरज के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों में रूपांतरण होता है। कार्बनिक यौगिक कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट। जड़ से पौधा पानी लेता है, सूरज के प्रकाश मिल रही है उसको, और पौधे के पत्ती के अंदर क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है अकार्बनिक यौगिक, इसका रूपांतरण हो रहा है कार्बोहाइड्रेट में, जो पौधे में संचित होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इस प्रकाश संश्लेषण में जो चीज़ निष्कासित होती है, एक पाद जो बनता है, वो है आपका ऑक्सीजन। अब देखिए पत्ती की सतह पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, काफ़ी सूक्ष्म होते हैं, जिसको कि हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। जब उसके अनुप्रस्थ काट आप समझ रहे हैं, जैसे कि खीरे को काटते हैं सलाद के रूप में, किस तरह से काटते हैं, राउंडेड काटते हैं। मान लीजिए इसको ये खीरा, तो इसको इस तरह से काटेंगे तो इसको अनुप्रस्थ काट कहेंगे। इस तरह का मिलेगा आपको स्ट्रक्चर,
गोल गोल, है ना। जो ये आपका कुकुम्बर है, कुछ उसको इस तरह से काट रहे हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर मिल रहा है, यही है अनुप्रस्थ काट। तो जब पत्ती का एक अनुप्रस्थ काट लेते हैं, उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, तो उसमें छोटे छोटे छिद्र नज़र आते हैं। वही जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो क्या होते हैं, आपका रंध्र होते हैं, इसको इंग्लिश में अस्टोमाटा कहेंगे। और इसी छिद्र के द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन आपका बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड आपका अंदर जाता है, इसी अस्टोमाटल ओपनिंग से, जिसको रंध्र छिद्र कह रहे हैं। इसके चारों तरफ देखिए कोशिकाएँ लगी हुई हैं, तो द्वारक कोशिकाएँ जिसको कह रहे हैं गार्ड सेल, और उसके बाहर में ये आपका इस तरह से और स्ट्रक्चर है। तो गार्ड सेल का काम क्या है, गार्ड करना, प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा करना, किसका, रंध्र छिद्र का। और रंध्र छिद्र जो है खुलता और बंद होते रहता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर के वजह से, जिसको हिंदी में विसरण दाब कह रहे हैं। और ये विसरण दाब जो है, जैसे ही उस छिद्र पे पानी पड़ती है तो फूल जाता है। फूलने से क्या होती है, बैलून को जब हम फुलाते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ते जाएगी, आयतन उसका बढ़ते जाएगा मतलब बड़ा होते जाएगा, और एक समय ऐसा भी आएगा कि फट जाएगा। कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर अगर पानी चला जाएगा, विसरण बहुत ज़्यादा इसकी हो जाएगी, तो क्या होगा, फट भी सकता है। इसलिए इसको फटने से बचने के लिए कुछ इस तरह का इसमें सिस्टम है कि ये उस लेवल तक नहीं पहुँच पाता और बंद हो जाता है। बंद हो जाता है, किस तरह से बंद होगा, जैसे ही द्वारक कोशिकाओं से पानी बाहर निकलेगा वो सिकुड़ने लगेगा, हवा छोड़ देंगे, गुब्बारे से निकलना क्या होगा, सिकुड़ेगा 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 इस तरह से। जैसे ही पानी बाहर की तरफ निकलेगा, एक्सोस्मोसिस होगी, बाहर पानी का बाहर निकलना द्वारक कोशिकाओं से, ये सिकुड़नी शुरू हो जाएगी और इस तरह से फिर अस्टोमाटा रंध्रल छिद्र जो है क्या होता है, बंद हो जाता है। तो ये जो पत्तियों में पाए जाने वाला रंध्र है, खुलता और बंद होते रहता है। इसके खुलने और बंद होने से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान पत्तियों में होते रहता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्रक्रिया होती है वो प्रकाश संश्लेषण है। इसमें जो क्लोरोफिल होती है पत्तियों में, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट एक तरह का क्या है, हरित लवक है। हरित लवक अलग अलग तरह के होते हैं, और जो हरा होगा उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रकाश को सोख लेता है। कुछ जो आपके रंग होते हैं, अलग अलग उनका वेवलेंथ होता है, तरंग दर्द होता है, उसी के हिसाब से ये यहाँ पे प्रक्रिया हो रही है सोखने की। जो आपका हरा रंग है क्लोरोफिल में, उसकी एक अपनी क्षमता होती है प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करने की, जो उसका अपना तरंग दर्ध है उस हिसाब से। और जो इस तरह से प्रकाश से हमें ऊर्जा, सनलाइट, सूरज की रोशनी से जो ऊर्जा मिल रही है, उसकी मदद से ये अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण जब प्रक्रिया होती है तो इसमें जो प्रकाश ऊर्जा है आपका रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। जैसा कि ऊर्जा जो है, ना तो हम बना सकते हैं ऊर्जा को, ना ही हम इसको बर्बाद कर सकते हैं, इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होते रहता है। इस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई जो प्रकाश ऊर्जा है उसका रूपांतरण किस में हो रहा है, तो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है। और एक चीज इंपॉर्टेंट और इसमें मैं कहूँगी, जो कि मैंने पहले अभी बताया है कि जो उप उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। क्वेश्चन ये आपसे अगर पूछ दे कोई कि जो ऑक्सीजन मुक्त होती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान, ये कहाँ से निकलती है, ये वाटर से निकलता है। जो आपका जल है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, जो कि अभी हम लिखेंगे समीकरण, उसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर से ये जो ऑक्सीजन निकलता है वही होता है। तो इसलिए ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन हुआ वो कहाँ से हुआ, जल से हुआ। अब प्रकाश संश्लेषण के समीकरण को देखते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल, क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश होनी चाहिए। जल प्रकाश की उपस्थिति में, जो कि सूरज से मिल रहा है,
पत्तों में क्लोरोफिल है, क्या बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट, निकल क्या रहा है, जल। ये हम पहले के कक्षाओं में पढ़े हैं। अब आपसे कुछ ज़्यादा उम्मीद हमें रखी जा रही है। इस समीकरण को कुछ इस तरह से आप अपने एग्जाम में लिखेंगे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल, 6 जल के कितने, 6, और ये क्लोरोफिल और प्रकाश, और कितना प्रोडक्ट हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, C6H12O6। ये आपका क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, और जल से इस ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, एक नंबर के क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है तो। अब ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है पौधे को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। जो ये कार्बोहाइड्रेट हमारा निकल रहा है, इससे पौधे को ऊर्जा मिलती है, और ये जो कार्बोहाइड्रेट है तुरंत ही सारा कुछ खुद यूटिलाइज नहीं कर लेता है, वो जितनी उसको चाहिए होती है उससे वो ऊर्जा ले लेता है, और बाकी जो बच जाता है वो क्या हो जाता है, संचित हो जाता है उसके शरीर में मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में, और यही हमारे लिए फूड है, ठीक है, जो डिपॉजिटेड हो जाता है उसके बॉडी में, संधारित हो जाता है, वो मंड के रूप में होता है, और इस तरह से यही जो डिपॉजिटेड मटेरियल होती है, संचित पदार्थ होते हैं मंड के रूप में, उसको हम लोग खाते हैं, जो हमारे लिए भोजन होता है। और हमारे शरीर में एक दूसरा चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट, देख लीजिए मैंने स्टार मार्क कर दिया है, पौधों में पोषण से ये रिलेटेड नहीं है, हमारे लिए है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग से इसको कर दिया है। जो हमारे शरीर में ऊर्जा इस्तेमाल नहीं होती है, जो भी हम भोजन खाते हैं तो जितनी ऊर्जा निकलती है वो सारा ऊर्जा अगर हमारे शरीर में उपयोग नहीं होता है, जितनी चाहिए होती है उतनी उपयोग हो जाती है, और जो बच जाता है उसको भी संचित कर लिया जाता है एनिमल के केस में। ये किस रूप में संधारित होते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होते हैं। देखेंगे यहाँ पे मैंने कुछ नोट डाउन करा है आपके लिए, इसको आप नोट डाउन कर लिए अपने नोटबुक में। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल बढ़ना पाए जाते हैं, जो कि पहले भी मैंने बताया, चूँकि ये अधिकांशतः पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। इस पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, और जो हरित लवक होता है उसको प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषी अंग का नाम बताइए, तो क्या बोलेंगे, पत्तियाँ, और प्रकाश संश्लेषी अंगक की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, हरित लवक। नेक्स्ट देखिए, पत्तियों की बाह्य त्वचा पर, बाहरी जो त्वचा होती है पत्तियों की, उसमें एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस में मतलब सबसे बाहरी परत जो होती है उसको एपिडर्मिस कहा जा रहा है, रंध्र या स्ट्रोमाटा मौजूद होते हैं, और ये विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, जो कि अभी मैं बता रही थी थोड़ा देर पहले, जिनके मध्य में एक छिद्र होता है, ये छिद्र बंद या खुल सकते हैं, जिनका नियंत्रण किस पर होता है, द्वार कोशिकाओं या गार्ड सेल द्वारा होता है। इन्हीं रंध्रों द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु पत्तियों के भीतर कोशिकाओं में विसरण द्वारा पहुँचती है, जो कि मैंने बोला था ऑस्मोटिक प्रेशर, विसरण प्रक्रिया द्वारा रंध्रों का खुलना और बंद होना होता है, कंट्रोल होता है, किसके द्वारा होता है, गार्ड सेल के द्वारा होता है, या गार्ड सेल का ही दूसरा हिंदी में नाम जो है आपका क्या है, द्वार कोशिका है। और देखेंगे यहाँ पे ये जो है आपका स्टोमाटा है, ए में लिखा है खुला हुआ स्टोमाटा, बी में लिखा हुआ बंद स्टोमाटा। ये जो डायग्राम है यहाँ पे, ये जो स्टोमाटा का पोर है, छिद्र है, जो कि खुलता और बंद होता है। यहाँ पे खुला हुआ है, देखिए फैला हुआ है इस तरह से, यहाँ पे बंद है, देखिए कुछ इस तरह से हो गई इसकी आकृति, और इसके बाहर जो कोशिका है उसका नाम है रक्षक कोशिकाएं, और इस रक्षक कोशिकाएं के अंदर जो वर्णक है वो कौन सा है, क्लोरोफिल है, उसी को यहाँ पे, क्लोरोफिल किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट लिखा है यहाँ पे, और इसके बाहर जो कोशिकाएं चारों तरफ से लगी हुई हैं, ये एपिडर्मल कोशिकाएं, वो आपका है क्या, एपिडर्मल कोशिकाएं। अब आइए देखते हैं जंतुओं में पोषण किस तरह से होता है। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, इसका शरीर जो है एक कोशिका से बना होता है। अमीबा का शरीर एक कोशिका से बना है, एक ही कोशिका भोजन को खाती है और उसे पचाती भी है, एक ही कोशिका, और जो उससे ऊर्जा निकलती है उसको क्या करती है, वो ग्रहण करती है, उपयोग करती है अपने क्रियाओं को करने के लिए। लेकिन जैसे हम मनुष्य की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारे पास हाथ का इस्तेमाल क्या करते हैं, खाना को खाने में, मुंह में क्या करते हैं, खाना को चबाते हैं, और खाना पचता कहाँ पे है, अमाशय में पचता है। इस तरह से यहाँ पे मल्टी सेलुलरिटी जहाँ हुई, बहुकोशिकीय जीव जहाँ हुआ, वहाँ कामों का बंटवारा हो गया। देखिए अमीबा के कोशिकीय सतह से उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है, जो इसका बाहरी सतह है कोशिका का, ये क्या होता है, उंगली के आकार की, ये देखिए यहाँ पे उंगली की आकार की प्रवर्ध, प्रोजेक्शंस, और अस्थायी
ये हमेशा के लिए स्थायी नहीं होते हैं, कुछ टाइम के लिए होता है, फिर क्या होता है, चेंज हो जाता है, वापस कोशिका अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेती है, तो इसलिए अस्थायी लिखा है। इसकी मदद से भोजन ग्रहण करता है। ये देखिए यहाँ पे खाद्य कण आया, इसके पास में ये क्या किया, अपने बॉडी को कुछ इस तरह से किया जिससे कि प्रवर्ध जेनरेट हुए, प्रवर्ध का उत्पादन हुआ, और इसको पादाव कहेंगे या कुटपाद कहेंगे, इंग्लिश में इसको शिरोपोडिया भी बोला जाता है। ये खाद्य कण देखिए आके इसमें फंस गया, शिरोपोडिया में, पदार्थ में आपका खाद्य कण आके जब फंस जाता है, उसके बाद क्या होती है, इसकी वाल ब्रेक होती है और ये अंदर की तरफ चला जाता है। ये देखिए यहाँ पे आ गया खाद्य कण, अंदर चला गया, और खाद्य कण को जो घेर रखा है उसको बाहर चारों तरफ से घेरा हुआ है, इससे जो वैक्यूल बन गई, रिक्तिका बन गई, उसको भोजन रसधानी या खाद्य रिक्तिका कहते हैं। तो इस तरह से अमीबा में यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर डिफ्यूज होकर के क्या होते हैं, खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। अब जो खाद्य रिक्तिका को अपने शरीर के अंदर ले लिया, इसमें क्या होता है, जो भी फूड मटेरियल है, फूड पार्टिकल है, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जैसा कि मैं बताते आ रही हूँ आपको, जटिल पदार्थ, और जटिल पदार्थ का विघटन होगा, क्या होगा, सरल पदार्थों में ये टूट जाएगा, विघटन, और ये कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं, मिल जाते हैं कोशिका द्रव्य में, इस तरह से अमीबा का पोषण पूरा हो जाता है। ये डायग्राम आप देख लीजिए, अच्छे से इसको कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण पढ़ रहे हैं, उसके अंडर में हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में पाचन।